गुड मॉर्निंग। चलो आज हम स्क्रैपर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्क्रैपर के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने स्पेशल टूल्स के बारे में पढ़ा था, और स्पेशल टूल्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे उसको मैंने क्लियर किया था। उसमें स्क्रैपर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, स्क्रैपर का मटेरियल क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। स्क्रैपर कितने प्रकार के होते हैं और कौन से प्रकार के स्क्रैपर का यूज कहाँ पे किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या स्क्रैपर, हेडिंग लिख लेते हैं। स्क्रैपर, स्क्रैपर क्या है? आधुनिक युग में एक से एक मशीन आ गए हैं, तो बहुत सारे मशीन में क्या होता है, बहुत सारे हाई एक्यूरेसी में फिनिशिंग की जरूरत होती है। मशीनिंग का बहुत सारा ऐसे पार्ट्स होता है जो स्लाइड करते हुए मूव करता है। क्या होता है? स्लाइड करते हुए, जैसे बहुत सारे पार्ट्स स्लॉट्स बने होते हैं उसके ऊपर स्लाइड करता हुआ जाता है, या फिर सिलेंडर है इसके ऊपर क्या होता है मूव करता जो है इसके साथ रोटेट करते हुए जाता है। इसके लिए इसका क्या सरफेस पूरा स्मूथ होना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी हाई स्पॉट्स नहीं होना चाहिए। क्या? कोई भी हाई स्पॉट्स नहीं होना चाहिए। वो स्लॉट्स हो, राउंड हो, मतलब कोई भी दो मैचिंग पार्ट्स जिसमें मूवमेंट होता, दो मैचिंग पार्ट्स आपस में मूवमेंट करता हो उसके बीच में अगर हाई स्पॉट्स लगता है वो क्या करेगा, उसके मूवमेंट को रोकेगा। जैसे ये एक पार्ट हो गया, ये एक बॉक्स है, ये एक और बॉक्स, ठीक है, ये दोनों बॉक्स को आपस में जब ये घर्षण करते हुए चलेगा, अगर इसके ऊपर हाई स्पॉट्स बना हो, क्या हाई स्पॉट्स बना हो, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रोकते हुए चलेगा, एक दूसरे को रोकते हुए चलेगा, इसके स्पीड को क्या करेगा, वो कम करेगा, एक दूसरे के स्पीड को ये क्या करेगा, कम करेगा। तो ये चीज ना हो, वो स्मूथली स्लाइड कर सके, दो जो मैचिंग पार्ट है उसके सरफेस को हाई एक्यूरेसी में फिनिशिंग कर सके, जिससे दोनों का सरफेस क्या हो, बिल्कुल स्मूथ हो, और आपस में जब ये मूवमेंट करे पूरा स्मूथली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो वैसे सरफेस बनाने के लिए जो हमारे जॉब के ऊपर जो कि हाई स्पॉट्स बने होते हैं, जो भी मशीनिंग मैचिंग पार्ट्स हैं उसके ऊपर हाई स्पॉट्स बने होते हैं, उसको हटाने के लिए जिस प्रकार के हम टूल का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग स्क्रैपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग स्क्रैपर बोलते हैं। वो मैचिंग पार्ट के ऊपर से हाई स्पॉट्स हटा देते हैं, मशीन का जो गति होता है क्या होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मशीन को मूव करने में कोई रोक नहीं कर सकता है, कोई रोक नहीं रहा है, उसमें क्या हो रहा है आपस में किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं हो रहा, वो स्मूथली स्लाइड कर रहा है। वहां पे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक का भी बचत होता है। क्यों? क्योंकि इसको किसी भी प्रकार का रोध नहीं मिल रहा, वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो इसी प्रकार के सरफेस बनाने के लिए हम स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये जो हाई स्पॉट्स होते हैं, अब हम बोलेंगे आपने हाई स्पॉट्स बना के दिखाया, यहाँ पे हाई स्पॉट्स दिख रहा है, पर हम बहुत सारे मशीन देखते हैं, जैसे हमारा लेथ मशीन है, लेथ मशीन का बेड जो है, बेड का जो बी बेड होता है, कॉम्बिनेशन बेड होता है, उसके ऊपर जो बेड के ऊपर जो लगा होता है उसके ऊपर जो मेरा कैरेज स्लाइड करता है, लेथ मशीन का जो कैरेज बेड के ऊपर स्लाइड करता है, अगर उसके ऊपर भी हाई स्पॉट्स छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, बार बार जब हम कैरेज को बेड के ऊपर स्लाइड कराएंगे तो वो कैरेज को क्या करेगा, रोकेगा, कैरेज को कम स्पीड में चलाएगा, उसमें क्या होगा मेरा कैरेज भी घिसेगा बेड भी घिसेगा, उस तरह बार बार फ्रिक्शन करते हुए चलेगा, क्या होगा मेरा कैरेज का भी आयु क्या होगा कम हो जाएगा, और बेड का भी आयु क्या होगा मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सरफेस काफी कम समय में घिस जाएगा। तो हम बोलेंगे कि हम को तो उसमें हाई स्पॉट्स दिखता नहीं है, क्योंकि
वो जो हाई स्पॉट्स होते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं कि नंगी आंखों से हम उसमें नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमको लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। लेंस का प्रयोग करेंगे तो ही हम उसके ऊपर बने हाई स्पॉट्स को देख सकते। तो वैसा वो स्मूथली मूव कर सके, स्लाइड कर सके, इसीलिए हम क्या करते हैं उस हाई स्पॉट्स को स्क्रेपर की सहायता से उसको हटा देते हैं, और जो भी मैचिंग पार्ट्स है, जो स्लाइडिंग पार्ट्स है, वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, उसी को हम लोग स्क्रेपर बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्क्रेपर तो देख लिए, अब वो जो हाई स्पॉट्स को हटाता है वो स्क्रेपर का मटेरियल क्या होता है, वो जो मटेरियल क्या होता है हाई स्पॉट्स जो हटाता है उसका मटेरियल क्या हो जाता है। स्क्रेपर का मटेरियल इसका मटेरियल क्या होता है, स्क्रेपर का मटेरियल हाई स्पीड स्टील होता है। क्या होता है स्क्रेपर का मटेरियल, हाई स्पीड स्टील या फिर टूल स्टील का बना, किसका हाई स्पीड स्टील या फिर टूल स्टील का ये बना, किसका टूल स्टील। ठीक है, तो स्क्रेपर हम लोग जनरली जो हमारा यूजलेस फाइल होता है, अनयूजलेस जो फाइल होता है, जैसे फ्लैट बास्टर्ड हो गया, फ्लैट स्मूथ हो गया, हैंड फाइल हो गया, ये सब क्या होता है जो मेरा खराब हो जाता है, फाइल का जो दांत बैठ जाता है, वैसे रिजेक्टेड फाइल जो होते हैं उसके द्वारा भी हम स्क्रेपर बना सकते हैं। क्यों, वो उसका मटेरियल क्या होता है हार्ड होता है, जनरली हम लोग उसको भी स्क्रेपर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसी फाइल में हम क्या करेंगे, उसके फाइल जो है, फाइल जो है इसके सिरे को हम लोग क्या करते हैं स्मूथली बैठा देते हैं और इसको स्क्रेपर के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से हमको स्क्रेपिंग करना हो, इसके एज को क्या करेंगे हम लोग एंगल में क्या करेंगे पतला कर देंगे, और स्क्रेपर हम जनरली फाइल को भी बना सकते हैं, उसको भी हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, इसका मटेरियल स्क्रेपर का जनरली क्या होता है, टूल स्टील या हाई स्पीड स्टील का होता है। हम उसको बनाने के लिए अपना बेकार पड़ा हुआ फाइल का भी प्रयोग करके हम लोग स्क्रेपर बना सकते हैं। ठीक है, अब स्क्रेपर के पार्ट्स देखते हैं, वो स्क्रेपर के क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं उसको देखते हैं, स्क्रेपर क्या क्या मिल के मेरा बना होता है। ये रहा मेरा स्क्रेपर का एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया इसके, इसके बॉडी क्या क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाता है मेरा कैनी बॉडी, क्या हो गया टैंक जिसमें हम लोग हैंडल लगाते हैं, क्या बॉडी टैंक हैंडल, और ये लास्ट में जो सबसे बढ़ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा कटिंग रेट, क्या होगा कटिंग रेट। कटिंग ये मेरा क्या था स्क्रेपर का पार्ट्स, ये क्या क्या पार्ट्स मिलकर बना होता है, इसमें क्या क्या है मुझे इसके पार्ट्स हैंडल टैंक बॉडी और कटिंग रेट, ये चार पार्ट्स से मिलकर मेरा क्या होता पूरा स्क्रेपर ये तैयार होता है। ठीक है, ये चारों पार्ट्स मिलकर मेरा क्या होता है पूरा स्क्रेपर तैयार होता है। अब ये हमारे स्क्रेपर कितने टाइप में पाए जाते हैं, ठीक है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है
ये मेरा क्या हो जाएगा फ्लैट स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा फ्लैट स्क्रेपर। फ्लैट स्क्रेपर क्या होता है मेरा जनरली फाइल के जैसा था, बस इसका फेस क्या होता है मेरा कॉन्वेक्स में बना होता है। क्या होता है कॉन्वेक्स में, इस तरह से थोड़ा सा उत्तर में बना हुआ। ये उत्तर में क्यों बना हुआ होता है, क्योंकि जब हम फ्लैट सरफेस पे स्क्रेपिंग करते हैं इसके ऊपर बस ठीक है, तो इसके ऊपर हम इसका ये निचला सिरा जो है इसका प्रयोग करते हुए इस तरह से हम स्क्रैपिंग प्रोसेस को पूरा करेंगे। उसमें क्या होता है जो भी हाई स्पॉट्स होगा ये मेरा उत्तर रहेगा, क्या होगा यहाँ से यहाँ तक मेरा कटिंग करते जाएगा, जो भी हाई स्पॉट्स होगा उसको खत्म कर देगा। अगर सेम सिरा यही रहेगा तो क्या होगा जब हम पेपर चलाएंगे तो खुद से स्क्रैप करते जाएगा, खुद से बर्क तैयार करते जाएगा। क्या ये साइड में खुद से बर्क तैयार कर रहे हैं, जो भी फ्लैट सरफेस से हम स्क्रैपिंग करेंगे वहां पे क्या होगा खुद ब खुद बर्क तैयार हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको थोड़ा सा कॉन्वेक्स में छोड़ देते हैं तो क्या होता है वो आसानी से मेरा ये इसके ऊपर जो भी हाई स्पॉट्स वाले में उसको हम लोग स्क्रैपिंग प्रोसेस करते हुए इस प्रकार से पूरे स्पॉट्स को तैयार कर सकते हैं। तो इसका लेंथ कितना हो जाता है मेरा फ्लैट स्क्रैपर का लेंथ क्या हो जाता है मेरा 100 से 200 mm तक के ये पाइप है। क्या लंबाई में कितना, लंबाई में कितना होता है मेरा 100 से 200 mm ठीक है, 100 से 200 mm लेंथ में मेरा ये क्या होता है स्क्रैपर पाया जाता है। तो इसका चौड़ाई में कुछ होगा, ये चौड़ाई में कितना में पाया जाता है, ये 20 से 30 mm तक चौड़ाई में पाया जाता है। कितना mm में पाया जाता है इसका। हम लोग जनरली ये जो लेंथ हम इसका बताए लेंथ और वेट ये किसके अनुसार है BIS, क्या होता है किसके अनुसार है भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ठीक है। BIS के अनुसार कितना होता है 100 mm से 200 mm लेंथ में होता है, वेट में हो जाता है 20 से 30 mm। तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं वो देख लिए, कहाँ पे जहां पे फ्लैट सरफेस होता है वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ठीक है। अब इसका हम लोग आगे देखते हैं, इसका पिक्चर भी देख लिए। अब आप इसके आगे मेरा हो जाएगा फ्लैट स्क्रैपर देख लिए। ये चार प्रकार से पाए जाते हैं, कौन कौन फ्लैट हो गया, उसके बाद दूसरा मेरा क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा हाफ राउंड स्क्रैपर। क्या हाफ राउंड स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर किस प्रकार से मेरा होता है, तो हाफ राउंड स्क्रैपर क्या होता है मेरा हाफ राउंड स्क्रैपर मेरा इस प्रकार से होता है। इसका जो हाफ राउंड स्क्रैपर मेरा इस तरह से अर्ध गोलाई में बना होता है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है अर्ध गोलाकार होता है। हाफ राउंड फाइल का, हाफ राउंड स्क्रैपर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है अर्ध गोलाकार होता है। बस इसका क्या होता है कुछ सिरा क्या होता है राउंड में मुड़ा हुआ, कुछ सिरा क्या होता है मेरा हाफ राउंड स्क्रैपर का क्रॉस सेक्शन मेरा अर्धवृत्ताकार होता है और उसका सिरा क्या होता है मेरा कुछ गोलाई में इस प्रकार से मुड़ा हुआ ठीक है। क्या होता है इस प्रकार से गोलाई में मुड़ा हुआ होता है। इसका लेंथ क्या पाया जाता है, लेंथ ये जनरली 125 mm से लेकर के 150 mm तक पाया जाता है, इसके अनुसार भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ठीक है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये 125 से लेकर के 150 mm तक पाया जाता है ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है जनरली इसका यूज
बुश बेयरिंग जो होता है, बुश बेयरिंग जो बेयरिंग मतलब क्या होता है, बेयरिंग क्या होता है, इस प्रकार से होता है ठीक है। बेयरिंग हम लोग पहले देख, इस प्रकार से बेयरिंग होता है, इसके अंदर में क्या होता है कुछ इस प्रकार से ग्रुप बने होते हैं क्या, जिसपे क्या होता है बॉल मेरा बना होता है, यहाँ पे क्या होता है मेरा बॉल लगा होता है ठीक है, ये मेरा क्या होता है बॉल लगा होता है। तो बॉल को जो बॉल का शेप क्या होता है, बॉल का शेप मेरा इस प्रकार से राउंड होता है, तो यहाँ पे बॉल इसके ऊपर अच्छा से स्लाइड कर सके, बॉल को बेस मिल सके, यही चीज को तैयार करने का काम क्या करता है मेरा, इसी में फिनिशिंग करने का काम क्या करता है, हाफ राउंड स्केप पर करता है, जिससे बॉल क्या हो इसमें स्मूथली मेरा मूव कर सके, बॉल को किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो, बॉल को घूमने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, हाई स्पॉट उसको रोकने की कोशिश ना करे, इसीलिए क्या करता है बुश बेयरिंग के अंदरूनी, बुश बेयरिंग के अंदरूनी सिरे में स्क्रैपिंग करने का प्रयोग हम लोग किसको करते हैं, हाफ राउंड स्क्रैपर ठीक है। हाफ राउंड स्क्रैपर का यूज देखिए, उसका लेंथ कितना होता है वो देखिए, हाफ राउंड स्क्रैपर क्या होता है इसके बारे में भी जान लें, ये क्या होता है जनरली हाफ राउंड में बना होता है, बस उसका सिरा क्या होता है कुछ गोलाई में इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं इससे कोई भी गोलाई वाले सतह पे अर्धवृत्ताकार वाले स्लॉट स्लॉट ग्रुप्स पे हम क्या कर सकते हैं इसका प्रयोग करके उसको अच्छी तरह से फिनिशिंग कर सकते हैं ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, आगे क्या हो गया मेरा ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर, आगे क्या हो गया मेरा ट्रायंगुलर, ट्रेंगुलर स्क्रेपर, ट्रेंगुलर स्क्रेपर मेरा क्या होता है ठीक, ट्रेंगुलर स्क्रेपर का शेप हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ट्रेंगुलर स्क्रेपर मेरा इस प्रकार से होता है, उसका शेप क्या होता है ट्रायंगुलर होता है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है ट्रायंगुलर होता है, बस इसका कुछ सिरा क्या होता है, कुछ सिरा टेपर में मुड़ा हुआ होता है, कुछ सिरा क्या है टेपर में मुड़ा हुआ होता है, कुछ सिरा मेरा क्या होता है ट्रायंगुलर होता है, ये क्या है ट्रायंगुलर है, ये क्या है ट्रायंगुलर के साथ साथ टेपर भी है ठीक है। इस प्रकार के जो भी स्क्रेपर हमको देखने के लिए मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रायंगुलर स्क्रेपर, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है ट्रायंगुलर होता है, ये दिखने में कैसा होता है पूरा ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर साइज कितना होता है, बस इसका कुछ सिरा क्या होता है पूरा टेपर कर दिया जाता है। इसका यूज हम लोग कहां पे करेंगे, इसका यूज हम लोग जनरली कहां पे करेंगे, जैसे यहां पे मेरा ये स्लॉट्स बना हुआ है, क्या है स्लॉट्स बना हुआ है ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से स्लॉट्स बने ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से स्लॉट बने हुए सीढ़ी के जैसा बना हुआ, तो ये सीधा में क्या होगा यहां पे हम जनरली हाफ राउंड स्क्रेपर का प्रयोग करके यहां पे हाई स्पॉट्स को नहीं हटा सकते हैं, फ्लैट का प्रयोग करके नहीं हटा सकते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे ट्रायंगुलर स्क्रेपर जो है ट्रायंगुलर स्क्रेपर का प्रयोग करते हुए इस सिरे का, इस सिरे में जितने भी हाई स्पॉट्स होंगे ये दोनों के बीच में ये जो एंगल दिख रहा है ये दोनों के बीच में
जो भी हाई स्पॉट्स होंगे उसको हम लोग ट्रायंगुलर स्क्रेपर का प्रयोग करते हुए यहाँ से हाई स्पॉट्स को हटाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जिस टूल से हम लोग हाई स्पॉट्स हटा सकते हैं उसको हम लोग ट्रायंगुलर स्क्रेपर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर स्क्रेपर बोलेंगे। ये इसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। इसका क्रॉस सेक्शन क्या कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। बस आगे का सिरा क्या होता है? ट्रेपर में मुड़ा हुआ होता है। ये क्या होता है? अधिक शार्प होता है। अधिक शार्प मतलब बहुत ही नुकीला, बहुत तेज धार वाला होता है। इसका ये सब सिरा क्या होता है? बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही तेज धार वाला होता है। ठीक है, बहुत तेज धार होने के कारण आसानी से कॉर्नर को क्या करेगा? मेरा शार्प कर देगा। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे कर लेते हैं? इसका प्रयोग हम लोग अंदरूनी गोलाकार सरफेस है वहां पे भी इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। स्लॉट से जैसे कुछ इस प्रकार के स्लॉट कटे होंगे तो यहाँ से भी तो हाई स्पॉट्स होगा, यहाँ पे जो हाई स्पॉट्स होगा यहाँ पे भी हम लोग इसका प्रयोग करके यहाँ के हाई स्पॉट्स को हटा सकते हैं। इस प्रकार से रहेगा तो यहाँ के हाई स्पॉट्स को हटा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के हाई स्पॉट्स को हटाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? हम लोग ट्रायंगुलर स्क्रेपर का प्रयोग करके वहां से ये हाई स्पॉट्स को हटा सकते हैं। तो इसका लेंथ हमारा कितना हो जाता है? इसका ट्रायंगुलर का लेंथ हो जाएगा मेरा 125 mm से लेकर के 175 mm तक पाया जाता है। ठीक है, कितना तक पाया जाता है? इसका पूरा लेंथ कितना होता है? 125 mm से लेकर के 175 mm तक भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार पाया जाता है। किसके अनुसार? इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये हमारा पाया जाता है। इसका सिरा कैसा होता है? बहुत ही शार्प होता है। ठीक है, बहुत ही शार्प होता है। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे, देख सकते हैं कौन सा हुक स्क्रेपर, और ये स्क्रेपर का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, हुक स्क्रेपर मेरा किस प्रकार से? हुक स्क्रेपर का पिक्चर देख लेते हैं एक बार। हुक स्क्रेपर का पिक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। हुक स्क्रेपर हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, हुक स्क्रेपर हमारा क्या होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका सिरा कोई एंगल में, मेरा हल्का सा एंगल में ये मुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? इसका एंगल जो है कुछ इस प्रकार से मेरा क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? हुक स्क्रेपर का जनरली प्रयोग हम लोग ये जो इस प्रकार के स्लॉट हैं यहाँ के डायरेक्ट इसका प्रयोग करते हुए क्या करेंगे? इधर का भी हाई स्पॉट जो है हटा देंगे, इधर का भी हटा देंगे, इसमें जो भी हाई स्पॉट होगा इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, जो भी कॉर्नर वाला रहेगा, कॉर्नर है यहाँ से हाई स्पॉट हटाना है, उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह के हुक स्क्रेपर का प्रयोग करके जो आंतरिक, जैसे ये आंतरिक है यहाँ पे हम लोग जनरली इधर से स्पेस नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से गैप स्पेस नहीं है, वहां पे क्या करेंगे? हुक वाले सिरे का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे? इसका प्रयोग करते हुए हम इसका पूरा ये सिरा इधर से प्रयोग करते हुए इसका ये सिरा को आसानी से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ये किस प्रकार से? किस स्क्रेपर से हम लोग कर सकते हैं? हुक सिरा के स्क्रेपर से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हुक स्क्रेपर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? हुक स्क्रेपर से हम लोग
ऑर्नामेंटल स्क्रैपिंग के लिए प्रयोग में लाते हैं। किस प्रकार के स्क्रैपिंग के लिए? ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल स्क्रैपिंग में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज पेपर्स के पार्ट्स थे उसके बारे में हम इस वीडियो में जाना। तो उम्मीद करते हैं जो भी इसमें बताया हम लोग को सारा समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट करना, उसको हम दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट।